आज की मेरी रेमेडी है हेल्थ से रिलेटेड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने अश्वगंधा नाम की जड़ी बूटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस जड़ी बूटी को अनेक रोगों से दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में अश्वगंधा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। अश्वगंधा को जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अश्वगंधा बहुत फ़ायदेमंद है। मेल के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इन्हें लेना चाहिए, किन लोगों को इन्हें नहीं लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में इसे लेना चाहिए। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आप इसके बेनिफिट्स को या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई एक्सपीरियंस। मैं हूँ लिजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं अश्वगंधा के बेनिफिट्स के बारे में। अश्वगंधा को ब्लड शुगर लेवल को कम करने में, कैंसर से लड़ने में, स्ट्रेच और टेंशन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये गठिया, अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट की आपूर्ति को बढ़ाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में करता है, तनाव को दूर करता है, एंजाइटी दूर करता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हार्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसमें। अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन को भी सुधार सकता है, इसमें मेमोरी भी शामिल है। ये तो थे अश्वगंधा से होने वाले फ़ायदे। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए या फिर किस सिचुएशन में अश्वगंधा आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। अश्वगंधा प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें गर्भ निरोधक गुण होते हैं। अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं तो आपको इसको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये दवाओं के साथ आप अगर इस अश्वगंधा का यूज़ करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या फिर नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम है। अश्वगंधा को ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे लूज़ मोशन हो जाना, पेट खराब हो जाना और जी बतलाना। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पर देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको थकान महसूस हो रही है और आप इंस्टेंट एनर्जी चाहते हैं तो एक टी स्पून अश्वगंधा ले लीजिए। आप अपने आप में इंस्टेंट एनर्जी महसूस कर पाएंगे। अश्वगंधा को आप दूध, पानी या फिर शहद के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। दूध के साथ अगर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और अश्वगंधा को लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप जिस टाइम चाहें इसको ले सकते हैं, बट इसकी क्वांटिटी पे आपको ध्यान देना है कि कितनी क्वांटिटी में आपको इसे लेना है। अश्वगंधा सिर्फ मेल के लिए ही नहीं, फीमेल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। महिलाओं में ये सेक्सुअल फंक्शन में सुधार लेकर आता है। मेनोपॉज के दौरान आप अश्वगंधा को यूज़ कर सकते हैं। एंटी एजिंग के रूप में आप अश्वगंधा ले सकते हैं। घुटनों के दर्द को कम करने में ये हेल्प करता है। थायराइड में इससे राहत मिलती है। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम से भी राहत मिलती है। बस आपको इसे कम मात्रा में यूज़ करना है। अश्वगंधा को आप कैप्सूल के रूप में, टैबलेट के रूप में या फिर पाउडर के फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बस प्रेग्नेंट लेडी इसका यूज़ किसी भी फॉर्म में ना करें, ये आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अश्वगंधा को आप बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें। अगर आप इसको दो टाइम सुबह या शाम यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून सुबह लें और हाफ़ टी स्पून आप शाम को ले लें। और अगर आप एक ही टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो एक टी स्पून आप इसका यूज़ कर सकते हैं एक दिन में।
अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें कि किन लोगों को इन्हें लेना चाहिए। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो ये थी अश्वगंधा के ऊपर कुछ मेरी जानकारी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसे आप शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।